ऐसे कैसे हो, संयुक्त मोर्चे का मंच है उस पर आके डलेबाजी करके उस पर कब्जा करके और उस पर माला डलवाना चाह, अगर इतना ही शौक है तो भाई मोर्चे में आ जाओ शामिल, ऐसी बीमारी पार्टी में हो क्यों? लेकिन रोड तो सबकी है ना, आपने रोड तो मंच रोड पे बनाया हुआ है, अब तो वहां से अगर रोड पे मंच बनना तो वे रोड मंच पाएंगे क्या? अगर आना है तो बीजेपी छोड़कर आ जाओ, मंच पे स्वागत करेंगे उनका। लेकिन ये दिखाना कि हमने गाजीपुर का जो मंच है उस पर अपने झंडे लगा के कब्जा करके वहां स्वागत करा, उनके बक्कल तार दिए जाएंगे एक एक के जो यहां पर आ गया, पूरे प्रदेश में कहीं नहीं जा सकते वे, याद रख लेना। झंडे लगा के मंच पे कब्जा करेंगे वे, झंडे लगा के उनका इलाज करेंगे शाहरुख का। तो ये क्या आप धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं उनको, मतलब मंच पे कब्जा करके स्वागत करेंगे, इसको रोड को ब्लॉक करें ऊपर से, वे फिर वहां को आएंगे ना सारे के सारे। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हुआ, पुलिस के लोग वहां पर थे, मंच पे कब्जा करना चाहते थे, झंडे लगा कर स्वागत करना चाहते थे, ये दिखाना चाहते थे कि गाजीपुर बॉर्डर पे हमने मंच पे कब्जा करके अपने लोगों का स्वागत करा। अगर मंच इतना प्यारा है तो इसमें शामिल हो जाओ ना, ऐसी बीमारी पार्टी में हो क्यों? तो क्यों आप लोगों की तरफ से भी डंडे चलाए गए, झंडे दिखाए गए, आपकी तरफ से? अपने मंच पे कोई आएगा दूसरे उसका झंडा लेकर आएगा तो अपना काला झंडा भी ना दिखाओ उनको, उनका स्वागत करें, हम फूलमाला लेकर खड़े होंगे, आ जाओ भाई तुम्हारी पार्टी बहुत बढ़िया, आ जाओ स्वागत करेंगे हम। अगर वे शामिल होना आना चाहते तो आ जाएं। गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई? गाड़ी में तो अपने आप पत्थर मारे होंगे उन्होंने, मारे वाले गाड़ी तोड़े हैं पिछले 7 महीने से, यहां पे कई करोड़ों गाड़ियां निकली होगी, किसी पे पत्थर मारते हैं हम? अब क्या कोई भी आएगा ना उसकी गाड़ी जाएगी यहां से और उनका घोड़ा लाठी दी जाएगी, यहां पे घोड़ा लाठी का सामान सब तैयार है, यही मंच पे घेर घेर का घोड़ा लाठी दी जाएगी। जो भी बीजेपी का कार्यकर्ता मंच की तरह पावेगा और हरकत करेगा, पिछले 3 दिन से देख रहे हैं हम सोनीपत में पानीपत में जहां जहां आंदोलन चल रहे हैं, उनकी हिम्मत होगी कि वे आंदोलनकारियों के वहां पर आएंगे और पुलिस उनको सपोर्ट करेगी? इसको तो कहा जा रहा है ना कि आपकी जो भाषा है आपका जो है ये गुंडागर्दी। गुंडागर्दी तो वे कर रहे हैं ना, हमारे मंच पे आने की हिम्मत कैसे करी उन्होंने, हमारे मोर्चे पे आने की हिम्मत कैसे करी? वे झंडे लगा के यहां पर झंडे लगाएंगे, इस आंदोलन पर कब्जा करेंगे, ऐसा तो उन्होंने कहा था क्या कि कब्जा करने की बात थी? 3 दिन से क्या बीमारी है कुछ उनके, 3 दिन से क्या लेना आ रहे हैं यहां पे? 3 दिन से वे आ रहे, पुलिस फोर्स क्या कर रही है? ये पुलिस भी अपनी गुंडे ही छोड़ दे, अपनी गुंडे ही छोड़ दे पुलिस भी, उनकी वर्कर ना बने, बीजेपी की वर्कर ना बने पुलिस। तो क्या यहां पर इस तरीके से अब आए दिन होगा? अगर इस आए दिन होगा तो उनका इलाज होगा भाई, आए दिन होगा तो इलाज होगा। और सरकार कहे कि आपका इलाज करे तो कैसे करो, मतलब अपने गुंडों से करवाएगी क्या हमारा इलाज? तो क्या है ये, क्या एक क्यों लेना, क्या आपको लगता है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रह गया? क्या लेना आते हैं वे यहां पे, उनको कोई उनका आंदोलन है, ये धरना स्थल बीजेपी का है, बीजेपी के गुंडे यहां पे आएंगे उनको बर्दाश्त करेंगे? यहां पे पुलिस प्रशासन उनको आगे भेजता है कि आप जाकर झगड़े करो, वहां पे मामला दर्ज करवाएंगे, खिलाफ मामला दर्ज करवाएंगे, गिरफ्तारी होगी उनकी, नहीं तो गांव में एक भी बीजेपी का झंडा लगा कार्यकर्ता नहीं जाएगा, उनकी झंडे लगी गाड़ी सड़कों पर को नहीं चलेगी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कौन हो? ऐसे ही तो 28 तारीख में हुआ, तो नया खेल कर रही क्या पुलिस? ये यहां पर नहीं चलेगा, उनको जाना है सड़क है जाओ, कोई हम नहीं रोक रहे, झंडे लगी गाड़ी यहां पर भी आ जाती है उनकी, जिसकी विचारधारा है वो आ जाओ कोई नहीं, लेकिन आप 300 आदमी को खड़े करके और मंच पे आओगे पत्थरबाजी करोगे ये करोगे और उनको लेकर आओगे तो ये तो गुंडागर्दी है ना।